खबर धनबाद पहुंचे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागनी सिंह ने राज्य के राज्यपाल रमेश बैस से धनबाद स्थित सर्किट हाउस में मुलाकात कर उन्हें बीते दिन झरिया में कांग्रेस के समर्थकों द्वारा गोलीबारी बमबाजी की हुई घटना को लेकर पूर्व झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर एकलव्य सिंह के द्वारा भाजपा समर्थक अविनाश सिंह पर गोली चलाने के बाद एफआईआर होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं किए जाने समेत आपराधिक घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं सिंदरी डीएसपी के संरक्षक में बढ़ते हुए अपराध को लेकर उनके तबादले की मांग कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिस पर राज्यपाल द्वारा धनबाद जिला प्रशासन को जल्द से जल्द मामले में उच्च स्तरीय कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। इस दौरान धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह, धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह, धनबाद के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए रागनी सिंह ने कहा कि महामहिम राज्यपाल द्वारा जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है, अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वह जल्द ही इस बारे में महामहिम से दोबारा मिलेगी। सबको पकड़िए, दोनों पक्ष का कोई आदमी नहीं बचेगा, बस हम अलग से कर रहे हैं, नहीं तो होगा। वो मेरा थानेदार कायम है, घटना हुआ है बहुत थानेदार को सर हम लोग आ रहे हैं, नया थानेदार एकदम मेरे लिए एकदम एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। बहुत थानेदार, देखिए अगर 10 बजे की सुबह की घटना है एकदम मान रहे और बगल में ही बम चल रहा है, गोली चल रहा है, अगर वो बहुत लेट से पहुंचा है वहां, लेट अगर चले अगर और घटना स्थल पे चले जाते रिएक्शन भी था, वो इंस्टेंट रिएक्शन नहीं था। देखिए कल और पिछले कई ऐसे घटना हुई, उसके बारे में सारी जानकारी हम लोगों ने गवर्नमेंट प्राप्त दी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ऐसा करवाई।